नमस्कार आपण देखुचंती खबर फटाफट मु जागृति आरंभ करबा बुलेटिन आज संध्यारु राज्यर अधिकांश जिल्लारे प्रबल वर्षा आशंका विशेषकर दक्षिण ओडिशारे वर्षार प्रभाव अधिक रही पारे राज्यरे वर्षा एवं संभाव्य बन्या परिस्थिति नै सचिवालयरे बैठक शेष होइ जायछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप प्रभाव रे आज संध्यारु राज्यर अधिकांश जिल्लारे वर्षा होइ पारे पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान परे सबु जिल्लापालंकु सतर्क रहबाक अलर्ट करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लघुचाप प्रभाव में तेरह जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा आशंका रही। तेरह जिला है गंजाम पुरी खोर्धा नयागढ़ कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर कंधमाल भद्रक ढेंकानाल बौद्ध संबलपुर। वर्तमान सुधा किंतु राज्य में कौन नदी में बन्या परिस्थिति होना सतैश जिले में वर्षार परिमाण अधिक रही सूचना देते स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। अन्यपटे आसंताका कर्मचारी छुट्टी बातिल हेबो ना नाही से गृह विभाग निष्पत्ति नेबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतारे बसीथिला ए बैठक जेउथरे मुख्य शासन सचिव एसआरसी विभिन्न विभाग अधिकारी उपस्थित थिले। ब्रह्मपुर राज्य सरकारक उपरे बसिले केन्द्रमंत्री प्रकाश जावडेकर कहिछन्ति ओडिसारे लोकतंत्र नाही बरंग बीजेडी तंत्र चलीछि प्रशासनकु राजनैतिक फायदा पई व्यवहार करा जाउछि। सबका साथ सबका विकास रे आमे विश्वास करू ओडिशा रे प्रकृत हिताधिकारी मिलूनी राशन कार्ड एक बीजेपी बीजेडी सरकार पीसी रो सरकार बोली जावडेकर। लोकों मन में प्रबल असंतोष रही केन्द्र योजना को बीजेडी निज योजना कहती अभियोग जावडेकर एस 2019 राज्य में बीजेपी सरकार गठन कर जावडेकर आशा रखिंट। बौद्ध जिलार भालियागोरा घाट नाळरे भासी जाई जणंकर मृत्यु होईछि मृतक हेले संकुले पंचायत संकरडा गांव रवींद्र देहरी। गतकाली ठारु जिल्लारे लगाण बर्षा हेबा फळरे छोट छोट नाळगुडिकरे उछुळा भाबरे पाणी प्रवाहित होउथला हरभंगा पंचायत जे जाईथिबा सकडिया नाळरे विपसंकेत उपरे जल प्रवाहित होईथला रवींद्र खसी पड़ू मृत्यु होती राति अघटन घटता बेले आज मृतदेह को धर्मनगर नालखंडी उद्धार करा आसंता ठू जगत सिंहपुर जिले में विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना शुभारंभ हो जिला मुख्य चिकित्सालय पक्ष समस्त प्रस्तुति शेष करोजन जिलार 1,97,899 जन हिताधिकारी सामिल होती। आसंताकाली स्वाधीनता दिवस रे एक कार्ड बंटन शुभारंभ कला जिला मुख्य चिकित्सालय पक्षर 16 तारीख रु 24 तारीख मध्य समस्त हिताधिकारी मानंको ए चिट्ठी बंटन करा जे बोली जिला मुख्य चिकित्साधिकारी कहिछन्। रास्तन रे भड़ा घरे निशा कारबार चलीथवा विभिन्न स्थान रे चढ़ाव करी अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड एभलिया सूचना देछि चढ़ाव बेले लक्षाधिक टंकार गंजेई ब्रांच को जबत कर बालियंता खरबल नगर में चढ़ाव कर चारिजण को अटक रखी फ्लाइंग स्क्वाड। अजणा रोग से गोटे वर्ष में मृत्यु होगा पांच जणकर बालेश्वर सदर ब्लक बईचा पंचायत रघुनाथपुर 2007 अधिक दरमा आशार गांव 35 जन बांगलोर जाते 8 वर्ष पर एक अजणा रोग से 15 ऊर्ध पीड़ित होवर बालेश्वर चली आसते 35 जन बालेश्वर आसा पर विभिन्न डाक्तखाना चिकित्सा सत्वे गत एक वर्ष मधे पांच जन मृत्यु होती प्रथम काश हो दुर्बल लगे सहित मुंड बुला आदि समस्या देखादे सहित प्राण हरा रोगी। गत तीन दिन ते गांव आउ जन मृत्यु होगा घटना लोकलोचन को आसी घटना सामना को आसा पर बालेश्वर सांसद तुरंत एक मेडिकल टीम घटनास्थल पठावा सहित निजे गांव को जाने जिला स्वास्थ्य विभाग सात जणिया टीम स्थानीय विधायक गांव में पहुंचा सहित परिस्थितिर समीक्षा कर रास्तु गोरु को हटावा बेले चढ़ीगला बस जड़े मृत कोरापुट जयपुर पात्रपुर निकट अघटन मृत युवक जनक जयपुर मालदा साहिर आदिकंत जेना। बसटी जयपुर मोटी जाता बेले पात्रपुर ठारे रास्ता उपरे छेली मेंढा अटक रही बस टी आगक जापार तेणु रास्ता उपरू गोरु हटावा पर हेल्पर टी
बस्र चका तले आसी रवींद्रंकर मृत्यु होइछि। सदर पुलिस घटनास्थले पहुंची जयपुर हॉस्पिटल को शव व्यवच्छेद परे परिवार को हस्तांतर करा जाइछि। भुवनेश्वर हंसपाल दुर्घटना जन कलेज छात्री मृत्यु होती दुर्घटना पर हंसपाल रास्ता अवरोध करते उत्यक्त छात्र पुलिस सहित मुहांमुही परिस्थिति भी सृष्टि होता मृतक छात्री भुवनेश्वर जयदेव कलेज सूचना। खोर्धा 16 नंबर जातीय राजपथ में मर्मन्तुद दुर्घटन बाप मृत झी गुरुतर भाव में आहत होता सूचना मिली मृतक हेले नयगढ़ जिला दर्पनारायणपुर प्रफुल्ल प्रधान। एनएच बेंट छक निकट में प्रफुल्लों बाइक को धक्का देता एक कार फल प्रफुल्लों मृत्यु हो जाता झील गुरुतर भाव में आहत गुरुतर को भुवनेश्वर स्थानांतर कर प्रफुल्ल झील को नहीं घर को फेरुवा समय एक दुर्घटना घटी घटनास्थल चांदपुर थाना पुलिस पहुंची तदंत करने सहित दुर्घटना घटाई कार जबत कर दुर्घटना पर कार ड्राइवर फेरार। गंजाम भंजनगर थाना मुजागढ़ सड़क दुर्घटना मैक्स गाड़ी धक्कारे जन व्यक्ति मृत्यु होती मृतक जनक काशी नायक होता जमापड़े दुर्घटना पर उत्तेजना प्रकाश पाई दुर्घटना घटाई मैक्स गाड़ी और ड्राइवर को गांव लोके काबू कर पुलिस जिम्मा देते एस उत्त्यक्त लोके क्षतिपूरण दाबी से रास्ता अवरोध करते रास्ता रोक फल भंजनगर फुलवाणी यातायात तो बाधाप्राप्त होता जमापड़ भंजनगर पुलिस पहुंची बुझाशुआ करने रास्ता अवरोध हटी। खोर्धा सदर थाना बड़ सावली मुंडिया खणी बड़ अघटन पत्थर तले चापी हुई जन श्रमिक मृत एथे जन गुरुतर भाव में आहत मृतक हेले मलिपड़ा गांवर बांगुरु कलस आहत व्यक्ति हेले मलिपड़ार चंदु कलस। बिना सुरक्षा रे किसी श्रमिक खादान खोलुवा बेले हठात धसी हो जाता पत्थर तले चापी हो जाते बांगुरु और चंदु घटनास्थल में सदर थाना पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर प्रबल वर्षा धोई होगा कलाहांडी केसिंगा ब्लॉक कंटेसर निकट अस्थायी पोल 26 नंबर जातीय राजपथ में निर्मित यह अस्थायी पोल वर्षा जो धोई फल बलांगीर कलाहांडी को जोगाजोग विच्छिन्न रास्ता पार होता समय पोलटी धोई होइजिबारु एक ट्रक दबी जाइछि लगाण वर्षा जो उद्धार कार्य आरंभ हो पारि नाही तबे ट्रक रे थिबा ड्राइवर हेल्पर कोनो कोनोसी क्षति होइ नाही। कंधमाल बालीगुड़ा निकट सीतापड़ी ठारे वर्षा रे धोई होगला अप्रोच रोड गतकाली ठारु कंधमाल बालीगुड़ा रे जारी रहिबा लगाण वर्षा जो अप्रोच रोड धोई हो जाइथिबा जणा पड़िछि। बालीगुड़ा सीतापड़ी निकट 59 नंबर जातीय राजपथ गाड़ी चलाचल बाधाप्राप्त हो रास्ता धोई होइजिबारु बालीगुड़ा रायगड़ा बालीगुड़ा कलाहांडी को जोगाजोग विच्छिन्न होइछि उभय पटे बहु संख्यार गाड़ी अटकी रही तबे रास्ता मरामती पर यातायात स्वाभाविक होइछि। रायगड़ा जिले लगाण वर्षा जारी फल जिले प्रवाहित होता नागावली वंशधरा नदी जलस्तर धीरे धीरे बढ़िवार लगी कल्याण सिंहपुर ब्लॉक कल्याणी नदी जलस्तर बढ़ी गतकाली रातिरु उपर मुंडरे वर्षा जारी रही जिलार विभिन्न नदी फुलिबार लगी आगामी 24 घंटा धरी जदि वर्षा जारी रुहे तेज वंशधरा नदी जलस्तर विपद संकेत उपरे प्रवाहित हो आशंका करा जाउछ। बन्या परिस्थिति मुकाबला करने जिला प्रशासन पक्ष पदक्षेप निया सहित गुड़ारी गुणपुर कल्याण सिंहपुर ब्लॉक वीडियो तहसीलदार को सतर्क रहा निर्देश दिया। पुरी में भी लग रही वर्षा वर्षा जो बड़ दांडर उभय पार्श्व जमी रही पानी वर्षा पानी नालों में न जा रास्ता उपरे चलुछि पानी जमी रहा स्थान में अग्निशम विभाग पक्ष पानी पंप पठा जाए जल निष्कासन कर। जगतसिंहपुर जिला तीर्तोल झुल्ला बाबा मठ निकट में महानदी में भासी जाता कावड़िया मृतदेह उद्धार कर महानदी तीर्तोल पोल निकट भासी जाता कावड़िया मृतदेह उद्धार हो मृतक पिपल गां महमर्दपुर गांव सिद्धार्थ दास गतकाली सिद्धार्थ निज सांग सहित महानदी पा उठावा जाता बेले गोड़ खसी जाता नदी स्रोत में भासी जाए निखोज हो जाता बेले अग्निशम विभाग पक्ष उद्धार कार्य जारी होता। आज सिद्धार्थ मृतदेह उद्धार कर मृतदेह मिलवा पर गांव में शोकाकूल परिवेश सृष्टि पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद पठाई।
भद्रक बसुदेवपुर डाक्तरखाना रोगी को एक्सपायरी हो जाता सालाइन दिजा अभोग आई बसुदेवपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में उत्तेजना प्रकाश हो सलाइन बोतल रे एक्सपायरी तारीख एप्रिल 2018 लिखा जाय छि दायित्व अवहेला करथा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यानुष्ठान दाबी होई छि। मयूरभंज रे हाथी उपद्रव बिसोई ब्लॉक रो लक्ष्मी पोसी गांव रे पोसी जाय छथि हाथी पोल गोटे घर भांगी दै छथि हाथी पोल हाथी को नै भयभीत अवस्था रे लक्ष्मी पोसी ग्रामवासी हाथी पोल को घोड़ाइबा को प्रयास जारी रखी वन विभाग बारंबार ही अंचल रे हाथी पोल पशुंट तेरे वन विभाग ठीक भाव में ध्यान देन अभोग आईपरी बारीपदार रजा बस अंचल में हाथी पोल पशुवा भी सूचना मिली। कलाहांडी कोक्सरा ब्लक लड्डू गांव में डेंगूर प्रादुर्भाव बढ़ी लड्डू गांव अंचल 218 जनकर रक्त नमूना संग्रह से 44 जन अधिक देहरे डेंगू भूताणु चिन्हट होता जमापड़ लड्डू गांव में 6 स्वास्थ्य टीम लोकों घर घर बुली सचेतन कर चिन्हट रोगी 12 जन को भवानी पटना डाक्तरखाना को स्थानांतर कर गजपति जिला काशीनगर ब्लक सिंगीपुर डेंगू आतंक सिंगीपुर अंचल में शताधिक लोके ज्वर से पीड़ित थिबा बेले 4 जन मृत्यु हो जाता अभियोग 20 जन आंध्रे चिकित्सित थे पारला खेमुंडी में 3 जन चिकित्सित तेज स्वास्थ्य विभाग किंवा प्रशासन एजाए गांव में पहुंची नभोगे स्वास्थ्य विभाग केवल 6 जन डेंगू चिन्हट हो मृत्यु होने डेंगू नुहं बर अन्य कौन कारण मृत्यु होता सीडीएमओ कहते उपयुक्त विद्युत सेवा दावी करी विद्युत कार्यालय सम्मुखें ग्रामवासी धारणा जाजपुर जिला बालीचंद्रपुर निकटस्थ झरणकूल गांव में विद्युत समस्या लागि रहिथिबारु एने ग्रामवासी माने विभागीय कर्तृपक्ष को अवगत कराइथिले गांव में 63 केवी ट्रांसफर्मर को बदलाई 100 केवी बसाइबा को दावी करने सहित टंका मध्य पैठ कर तेरे दायित्व में विद्युत कर्मचारी मुहां बुलाउथिबा अभियोग यार प्रतिवाद ग्रामवासी माने बालीचंद्रपुर विद्युत कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ करने सहित प्रतिवाद करते तेरे समस्या समाधान आग को नक आगामी दिन में आंदोलन को जोरदार कर चेतावनी ग्रामवासी जाजपुर जिलार काठ कारीगरी को छटे प्रतिवाद रे आंदोलन दुई दफा दाबी ने विनोद चंद्र सुतान नेतृत्व में बहु काठ कारीगर जिलापाल अफिस् सम्मुखें धारणा दे ओडिशा सरकार स्वीकृति प्राप्त काठ शिल्पी माने 20 वर्षरु अधिक विभिन्न काठ निर्माण कार्य नियोजित रही परिवार परिपोषण कर आसुथिले एमानकु पंचायत समिति परिचालना निर्देशक 1.5 मासरु ऊर्ध्व हेबो कामरु छटे कर फलर से अभाव अनटन मध्ये समय बिताउछन्ती तेबे काठ शिल्पी मानंकु पूर्वभली काम दिआजबा सहित वीआरएस योजना अनुजाई भरण दिया दिजा दाबी कर दाबी पूरण न आंदोलन जारी रहिबो बोली आंदोलनकारी चेतावनी देइछन्ती। जगत सिंहपुर मड़क सन्देह पारादीप साहारा मत्स्यदिया नदी में मड़क नदी में भासुंट बहु संख्यार मल्लाछ यार कारण अस्पष्ट रक्तमुखा लाल बाहिनी आक्रमण पर चली सजबाज सुरक्षा बल एनकाउंटर विभिन्न स्थान में नक्सल निपात पर हिंसा घटाइबा को योजना चली अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र सहित चली तालीम लाल बाहिनी ट्रेनिंग एक वीडियो वायरल होई वीडियो मालकानगिरि सीमांत छत्तीसगढ़ डोरा नेपाल अंचल कह धोखे भारतीय जवान को पाकिस्तान हत्या कर 24 घंटा भितर यार प्रतिशोध नहीं भारतीय सेना पाकिस्तान दुई जन जवान को मारी सेना सीमा पार कर पाकिस्तान पटे प्रवेश करना सेठे दुई जन पाकिस्तानी जवान को हत्या कर भारतीय जवान शहीद पुष्पेन्द्र कुमार हत्यार प्रतिशोध नहीं भारतीय जवान पुष्पेन्द्र को धोखे पाकिस्तानी रेंजर्स स्नाइपर हत्या कर हरिद्वार गंगा नदी तांडव गंगा नदी कूल बंध भांगी जबार बुड़ा हजार हजार हेक्टर चाष जमी आखु और धान चाष जमी संपूर्ण रूप से पानी बुड़ जाएस पानी गांवगुड़ी माड़ जा लोकों घर पा पशिजु से सुरक्षित स्थान को पठे दि जा
ସେପଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ବିପଦ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳ ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଆଜି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 70 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ 10% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତୁର୍କୀରେ ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରକାର କରେନ୍ସିର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏକ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 72 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଲାଲକିଲ୍ଲାର 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ। ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଭିଆଇପି ରୁଟ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମେଟ୍ରୋ ପାର୍କିଂକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ। ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀନଗରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସେନା ପୁଲିସକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାଶଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ତିନିଟି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ହିଂସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଆଗରେ ରଖି ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ବି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଚନ୍ଦନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବିହାର ମୁଜାଫରପୁର ବାଳିକା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଡଭାଇଜରି କାହିଁକି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉନାହିଁ ତା ଉପରେ ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ ଏନ୍ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀକୁ କାହିଁକି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇନାହିଁ ସେଇ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ, ଉଡୁପି, ହସାନା ଏବଂ ଚିକମାଗୁଲୁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ, ଉଡୁପି, ଚିକମାଙ୍ଗଲୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଡୁପି ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟତ ଠପ୍। ସମ୍ପାଜୀ ଏବଂ ଶିରଡ଼ି ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହସାନା, ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମଡିକେରୀ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଡୁପିରେ ଗତକାଲି 17 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। କାବେରୀ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।